बिसमीम्स मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी नकवी साहब आज 29 नवंबर है इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं जिसमें बहत्तर दिन बाकी हैं शहर अकतदार में एक बहस ये चल रही है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे एक ममा है कि इलेक्शन होंगे तो किस किसत हाल में होंगे शहर अकतदार की तफरीकें जमा और ज़रबे क्या बताती हैं ज़रबे और तकसीमें तकसीमें बहुत अहम हैं चलें में भी डाल लें नहीं आप आप सिर्फ जो है वो तफरीक जमा और ज़रब तक महदूद ना रहें असल मामला है तकसीम का आप तकसीम से शुरू करें तकसीम से शुरू करते हैं देखें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत है और सियासी मंजरनामा है और इसमें अपॉरचुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं जो पाकिस्तान के सियासी सफ़े के ऊपर तकरीबन वो जहां पर वो नहीं होता पीटीओ लिखा होता है प्लीज़ टर्न ओवर जी या पेज टर्न ओवर जी जी बिल्कुल वो उनके उसके साथ कहीं बड़ा धुंधला धुंधला सा उनका नाम रह गया था उनके लिए भी बड़े मवाक़ पैदा हो गए सही फार्मूले पेश किए जा रहे हैं कि हुकूमत ऐसी होनी चाहिए सियासत ऐसी होनी चाहिए ये मामला ऐसे होने चाहिए और ऑप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं देखिए एक बात तय है मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत रावलपिंडी की एक ऐसी इमारत जिसकी बुलंदो वाला दीवारें पाकिस्तान की सियासत घूम रही है उसके इर्द गिर्द अच्छा और ख़ान से या आप नफरत करते हैं या आप दुश्मनी करते हैं या आप उसको दोस्त समझते हैं या आपके दिल में या किसी के दिल में ख़ान का खौफ है इसको बेच के किसी के पास कोई एजेंडा नहीं कोई मंशूर नहीं है ये जाली किस्म की कमेटी मंशूर कमेटी बना दी और ये करेंगे पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वो नारा वही रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है, है हर इंसान ताकत का सरचमा आवाम वगैरह हो रही है बेहतरीन इंतकाम हाँ वो 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 वही दोबारा से वो रेपटेशन हो रही है वही वो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ऐसा इकबाल वही वो फ़लाना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इसमें ये शामिल कर लो ये कर लो असल बात और मरकजी नुकता ये है कि जब भुटो साहब को फांसी हुई थी ना वो डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी जी वहाँ पर थी जहाँ पर वो अब जिना पार्क बना हुआ है जी तो लोग जयाले ना आए वो हो तो फ़ार ्फ़ार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो है ना उसको मसमार कर लिया गया था उससे फिर कोई दस बारह किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर आगे आ, एक जेल बनाई गई और उस जेल को अब सेंट्रल जेल रावलपिंडी या याडियाला जेल कहते हैं जी बड़ी ऊंची ऊंची उसकी दीवारें उसमें खान साहब बंद हैं और पाकिस्तान की सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है नून लीग जो है वो उन उनके साथ नफरत भी करती है और उनका जो खौफ़ है कि ये आ जाएंगे उस और ये आ जाएंगे तो ये ये करेंगे वो उसको सेल करना चाहिए उनके कई लीडर्स बता भी चुके हैं हाँ। और अब वो ज़ाहिर है कि वो दुश्मनी को भी बेच रहे हैं नफ़रत को भी बेच रहे हैं खौफ को भी बेच रहे हैं और इस दौरान बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और एक नया फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने रखती हुई नजर आ रही है लेकिन उसमें बड़ी बारीक वारदात ये जो कहानी है ना कि पीपल्स पार्टी पीटीआई का जमूरी हक मांग रही है जमुरी लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए भी मांग रही है आ, आ, देर आर नो फ्री लंच इन, इन दिस वर्ल्डली आपको जो है ना वो जब आप कर रहे होते हैं उसमें आपके लिए कैच होते हैं और पीपल्स पार्टी के लिए पी टी आई को, को थोड़ी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच मौजूद है जो फॉर्मूला उन्होंने सामने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल करीम पुल साहब ने उसमें बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं फिर बहुत सारे लोगों के सरों से गुजर गई उन्होंने उसमें दरमियान में से दो स्पाइसी जुमले तीन जुमले मियाँ साहब के ख़िलाफ़ निकाले और उन्होंने फेंक दिए देखें एक बात तय है कि ये सबको मालूम है कि दो हज़ार बाईस में जो ये पूरा एक मोमेंटम बना और इंसाफ अपनी पॉपुलरिटी की मराज पर चली गई इमरान खान जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि इमरान खान को निकाल दिया गया था उसकी असल वजह ये थी कि इमरान खान को निकाल के शबाज शरीफ को लाया गया और उनके बेटे को जो ख़ान साहब का जाना है वो कोई हादसा नहीं था लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सानहा था कि शबाज शरीफ आ गए बिल्कुल ऐसे ही और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये रियलाइजेशन थी और हुई कि ये वो वजह है जिसकी वजह से तनकीद ज़्यादा हुई है अगर ये सारे प्रोसेस में कुछ और हुआ होता इलेक्शन की तरफ चले गए होते शबाज शरीफ डायरेक्टली ना आया होता तो शायद ये मामला इतना ख़राब नहीं होता अब सिचुएशन ये बन गई है और जिसको पीपल्स पार्टी कैच करने की और कैश करने की कोशिश कर रही है वो सिचुएशन ये है कि मियाँ साहब फुलाने अच्छा अच्छा एक दावा है मुस्तफ़ा नवाज़ पोखर का वो भी फेंक देने वाला नहीं है वो ये कहते हैं कि कमिटमेंट है एक सौ सीट देने की और ये होगा बाकी सब स्मोक स्क्रीन है अच्छा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये स्मोक स्क्रीन बनी हुई है ये जो सारा आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है उस स्क्रीन के परे कुछ नहीं नजर आ रहा ये स्क्रीन बनाई गई है ये जो लड़ाई है और ये सारा कुछ चल रहा है अल्टीमेटली नतीजा ये होगा कि एक से ज़्यादा सीटें मियाँ साहब को देनी देंगी हैं लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि मियाँ साहब को लाने का कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वैसे काफ़ी इस तक कैसे आएगा दोबारा से तो वो उसको कैश करने के लिए अब एक नया काम कर रहे हैं ये जो मांग रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड भी इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है मैं आपके सामने नंबर गेम भी रखूँगा मैं ये ज़रा साथ में खोल लूँ उसको आ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो फैसल करीम कुंडी साहब ने गुफ्तु की है ना वो गफ्तु बिला वजह नहीं है पहले मैं वो गफ्तु आपके सामने रख देता हूँ फिर मैं आपके सामने ये नंबर गेम रखता हूँ कि नंबर गेम एग्जैक्टली वो पीपल्स पार्टी कहाँ देख रही है क्या देख रही है और एग्जैक्टली exactly इसको करने करना कैसे चाहती है फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा उन्होंने कहा कि कोयटा की सर्दी में हम इकट्ठे होंगे ये तीस नवंबर को उनका योम तासीस है वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं जब इस्लामाबाद आबाद पहुंचेंगी तो 8 फरवरी के इंतबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो भुट्टोजारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजे अजम के उम्मीदवार होंगे साहब को बता दें हम अपने इतहादियों के साथ मिलकर नंबर गेम के जरिए हुकूमत बनाएंगे इतहादियों के साथ मिलकर नंबर गेम अब नंबर गेम इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली exactly फार्मूला क्या पेश कर रहे हैं सही और किसके सामने रख रहे हैं आपको पता है फैसला साजों के सामने रख रहे हैं कि ये फॉर्मूला है और इससे निकलने का अब कोई एक तरीका हम भी मुतबाद एक मौजूद है कहते हैं जनाब कुंडी साहब के बिलावल ने के पी के में छः कन्वेंशन किए कोयटा के दौरे के बाद सात दिसंबर से फिर खैबर पख्तूनख्वा से उसी सिलसिले का आगाज़ होगा उसके बाद पंजाब और जुनूबी पंजाब में कन्वेंशन करेंगे उसके बाद इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे और हर डिवीजन में अवमी जलसे करेंगे कमेटी बना दी है जो दीगर सियासी शख्सियात से रबते करेगी इलेक्शन के बाद इतहादियों के साथ हकूमत की तरफ गामजन होंगे नून लीग हमारे ऊपर तनकीद कर रही है तनकीद से पहले ये देखें कि नून लीग के दोस्त अपनी सोलह महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा मियाँ साहब के पिछले दौर की बात दो हज़ार सत्रह से शुरू करते हैं हाँ अब ये दावा करें कि हम 120 सीटों पर इलेक्शन जीतने जा रहे हैं आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत आई और 20 एम की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था और दो एम का इलेक्शन हो रहा था तो हमने कहा अभी दो हज़ार में जो बाई इलेक्शन हुए थे तो हमने कहा कि हम मुतफिका तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें कहा गया कि आप दो एम का इलेक्शन लड़ें पंजाब में क्योंकि हमारा चीफ़ मिनिस्टर और मरक़ में हमारा वजे अजम है तो पंजाब हमें दे दें दे। पंजाब हम लड़ेंगे हमने दो एम का इलेक्शन लड़ा और जीते जो कहता है कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं पंजाब में वो 20 सीटें एमपीए की नहीं जीत सकते जिमनी इलेक्शन में जब उनकी हुकूमत थी उनका बहुत मजबूत बयानिया था फिर 20 में से एक सीट जीती 15 पर कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं तीन पर पीटीआई जीत रही है और बाकी दो के ऊपर मुकाबला और आज अब जब ये दावा कर रहे हैं कि एक सीटें जीतेंगे तो ये जब इलेक्शन होगा ना आठ फरवरी को उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा आवाम जिसको मैंडेट देगी चाहे वो नून लीग को देती है पीपल्स पार्टी को देती है या तहरीक इंसाफ को या किसी भी और जमात को यह आवाम का हक है कि वो जिसे चाहे जिसे मर्जी इलेक्ट करें और उसे हुक्मरानी करनी चाहिए हमारा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस साहब के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और अगर खुदा न खास्तः फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते और एक और लाडला एक और सेलेक्टेड आता है सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को मुशी बहरान से नहीं निकाल सकते मुस्लिम लीग नू ने इदारों को हमेशा सियासत में धकेला है आज भी वो ये तस्र देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं और इस तर के ज़रिए वो चाहते हैं कि बाकी सियासी जमातें इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दें ताकि उनको सिलेक्ट कर लिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए पहले भी एक सिलेक्शन हमें यहाँ लेकर आई है हम तो समझते थे कि मियाँ साहब नज़रियाती बन चुके हैं वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं लेकिन इतनी ठोकरों के बाद भी अपनी आप उसी सियासत में वापस आना चाहते हैं सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इतनी मुश्किल से फिर गुजरने की क्या जरूरत थी तो जो लंदन में बयानियाँ था कि वोट को इज्जत दो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो वो आप वहीं एवन फील्ड में छोड़ आए हैं आज तो उसकी बात भी नहीं करते आज तो नहीं कहते मियाँ साहब कि मुझे क्यों निकाला फिर वो कुंडी साहब कहते हैं कि माजी में कहा जाता था कि अगर इमरान खान को लाया गया था तो दूध में पानी मिलाया गया था यानी कि कुछ ना कुछ दूध मौजूद था पार्टी में सब्सटेंस मौजूद था पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी थी, थी। उसमें पानी डाला थोड़ा सा और उसकी बनवा दी गवर्नमेंट लेकिन आज कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता नून लीग को लाया गया तो यह कहा जा रहा है कि फिर तो पानी में दूध मिलाया जाएगा वैसे तो वो नहीं आ सकते इसलिए पीपल्स पार्टी समझती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए आवाम का मैंडेट किस जमात को मिलना है उसके बाद जैसे जरदारी साहब ने बात की कि एक मुतफ़ा हुकूमत इतहादी हकूमत बनाएंगे इतहादियों के पास दोस्तों के पास जाएंगे कि हमारे पास ये नंबर्स हैं इन नंबर्स के जरिए हमारा हक बनता है कि हम हकूमत बनाएं हम नंबर गेम के जरिए हकूमत बनाने जा रहे हैं अब नू लीग क्या कह रही है कि हम एक सौ पूरे कर रहे हैं एक से पच्चीस सीटें तो हम यहाँ से जीत रहे हैं जिसका मतलब यह है कि इनकी तादाद जो रिज़र्व सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो मिला के इनका नंबर एक के करीब चला जाएगा तकरीबन एक आ, आ, इसके ऊपर जब आप रिजर्व लगाएंगे और वो लगाएंगे तो तकरीबन 150 से ऊपर से ऊपर बने नंबर तो ये क्योंकि 175 है आ, जो टोटल सीट्स हैं पंजाब की रिजर्व्स और वो दूसरे मिला के अदरवाइज तो 141 हैं तो वो नंबर जो है वो फिर एक तो क्रॉस करता है सिर्फ पंजाब से क्या पंजाब जीत लें आप पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत बना लें अच्छा बहरल कुी साहब कहते हैं कि इस वक्त डेढ़ से दो करोड़ वोटर आ गया साठ से पैंसठ फीसद नौजवान वोटर है इस वक्त जो कनेक्टिविटी बिलावल की है जो वो नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं फिर उन्होंने मिट्टी के जलसे का लाहौर के जलसे से साहब इनका सही बनता आपस में ही कर मुजना किया उन्होंने कहा लाहौर का स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड जलसा था मिट्टी में लोग बिलावल की झलक देखने आए जब नून लीग ने हमारे जलसों और कन्वेंशन में रिस्पॉस देखा तो हैंड ब्रेक्स खींच ली उसके बाद उन्होंने कोई जलसा कोई कन्वेंशन नहीं किया आवाम में जाने से डरते हैं हम कहते हैं आवाम में जाएं अपना मंशूर और नारा लेकर फिर अवाम को फैसला करने दें फिर उन्होंने अपने को मंशूर की को बातें की और सवाल शुरू हो गए अब प्रैक्टिकली नून ली पीपल्स पार्टी जो है वो पी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड या स्पेस क्यों मांग रही है वो स्पेस इसलिए मांग रहे हैं वो मैं आपके सामने नंबर्स रखता हूँ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है वो स्पेस इसलिए मांग रहे हैं कि देखें आ, नून लीग के लिए अगर पीटीआई के ऊपर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो पंजाब में नून लीग के लिए फील्ड खुली है सही कम वोट लेके जितने मर्जी वोट लेके जी वो इलेक्शन वाकई 120 से 125 नंबर पूरे कर जाएंगे फिर अगर पीटीआई इलेक्शन ना लड़े फॉर एग्जाम्पल बाकी भी कोई ना लड़े हाँ। जो उनकी पॉपुलरिटी है बाकी भी कोई ना लड़े नहीं

और तीन है फेडरल कैपिटल की इस्लामाबाद ये मिला मिला के कुल बनती हैं दो सौ छियासठ साठ सीटें खुतन की हैं और दस सीटें हैं माइनॉरिटीज़ की कुल मिलाकर तीन सौ छत्तीस बिल्कुल है तो ये अब इसमें एक सौ तिहत्तर सीट है पंजाब की यानी एक सौ इकतालीस के ऊपर इलेक्शन होता है सिंध उनका पीपल्स पार्टी श्योर है कि हमारा कवर्ड है तकरीबन रूरल सिंध सारा हमारा है कराची में मैच डाल के तीन चार सीटें कराची हैदराबाद और इधर की अगर हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो साथ में साउथ पंजाब की तीन सीटें चार सीटें मिल जाएं हमें और दो तीन अपर पंजाब से मिल जाए राजा परवेज़ अशरफ की नदीम अफजल चंद की कायरा साहब की उनके जहन में यह है अब इस बात को छोड़ देंगे कौन इसमें जीतने की पोजीशन में है? कौन नहीं अभी तो सजा नहीं ना मैदान दंगल शुरू नहीं हुआ जनूबी पंजाब में वो कहते हैं कि हमें गिलानी साहब की और उनके बेटे की सीट मिल जाए मखदूम अहमद महमूद की सीट मिल जाए वो एक आधी सीट जिला मुजफ्फ़रगढ़ में लिया में इधर उधर कहीं ढूंढ लें कहीं कुछ ना कुछ गेम हमारी बन जाए और हम सीट जीत जाए अगर जो पोजीशन हमारे एरिया में तो बहुत ही वीक है उनकी आ, फिर वो कहते हैं कि जनाब ये दो तीन सीटें मिल जाएँ मालाकंड डिवीजन से और खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक आधी सीट देर शेर इधर उधर छतराल वो निकाल लें फिर कोई तीन चार सीटों की गेम हमारी बन जाए बलूचिस्तान में अब आप इसको देखें कि जरदारी साहब जो हैं वो इस मामले में मफामत का बादशाह उन्होंने तो पैराडाइम ही चेंज कर दिया ना पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स का वो नज़रिया शजरिया खड़ा होना जमूरीत के लिए जद्दोजहद करना आइन और कानून की बात करना वो तो गायब हो गया वेपोरेट हो गया जरदारी साहब ने की है ड्राइंग रूम में बैठ कर मतलब कि मकसद की रख्तदार की सियासत पावर पॉलिटिक्स सही और उनमें ये फ़न ये गुर बहरहाल मौजूद है कि वो काफ़ लीग को भी मिला सकते हैं वो एम के एम के साथ भी बैठ सकते हैं उनको भी अपने साथ बैठा सकते हैं बाप पार्टी को भी बैठा सकते हैं जो बलूचिस्तान के दिगर चाहे वो बी एन पी है दूसरी जमातें हैं एन पी को वो साथ लेकर चले

वो जिस स्पीड के साथ आपको मेन्यू सुनाता है तो वो पीपल्स पार्टी का जे यू आई एफ जो है वो एक मेन्यू सुनाती है कातिल लुटेरे फलाने 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 करके ना बड़ी स्पीड में वो सुनाते हैं तो वो उनके साथ भी बैठ गए तो जरदारी साहब बहरहाल ये जोड़ तोड़ बंदे इकट्ठे करने में और उसमें कि जब पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में उसमें तो माहिर हैं अब उनका एफर्ट ये नहीं है कि हम इससे ज़्यादा सीटें ले लें उनको पता है कि उनकी कितनी सीटें अंदाज़ा है उनको तकरीबन वो वो कहते हैं कि फिर उससे ऊपर जितना मिल जाए प्लस मुफ्त हाथ आए कुछ हाथ आए तो बुरा क्या है हाँ। जितना आ जाता है एक और प्लस क्या वो भागते चोर की लंगोटी सही हाँ। टाइप का उनका जो है ना वो सीन है उनके लिए इस वक्त असल मामला ये है कि किसी तरीके से इनूली को बैश क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं इनको मौका मिलेगा ये उनके साथ भी हुकूमत में बैठ जाएंगे पीटीआई के लिए स्पेस क्यों मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई अगर पोटेंसी रखता है कोई पोटेंट जमात है जो नून लीग को लटा सकती है तो पीटीआई है हाँ वो पीटीआई है ये तो कह रहे हैं भाई ये कहते हैं अब चंद साहब का इस इसमें क्या है नदीम चंद कहते हैं कि एक सीट लाहौर से निकाल लेंगे अगरचे वो सीट गलत बता रहे हैं वो हमज़ा वाली बनती है वो कह रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक वाली हमज़ा वाली सीट पर उनका बड़ा वो है आ, ये चंद क्या है दूसरे अपने फैसल करीम कुंडी वो कहते हैं कि जो जो आप वाला जुमला था हाँ। कि जो नून लीग का गढ़ है वो मरीम नवाज़ ने अपनी जाती मेहनत के साथ उसे गढ़ा बना गढ़ा बना दिया हाँ। ये ये जनाब सूरत हाल है जब नून लीग की ये सूरत हाल है कि वो वहाँ पर पीटीआई के किसी आम वर्कर से भी हार सकती है हाँ। तो पीपल्स पार्टी का एफर्ट ये है कि नून लीग की सीटें कम हो जितनी सीट नून लीग की देखें उनको पीपल्स पार्टी को और इन सब को क्योंकि सारी सियासत घूम रही है वो अडियाला जेल के वो ये रियलाइज करते हैं कि इमरान खान को तो नहीं आने देना पीटीआई को तो नहीं आने देना सौ सीटें मिले वोटर ले। को भी ना आने दें फिर है एक सौ से नीचे एक भी सीट उनकी नीचे होगी ना तो बाकी लोगों को मिला के पूरी करवाएंगे कैसे भी करवाएंगे हुकूमत मखलूत बन जाएगी बन जाएगी नहीं वो जैसे भी होता है अब जाहिर है कि अगर इतना नंबर सीट ऑफ सीट आ जाता है तो आप उसको यानी आप कैसे जैसे मैं नहीं अब कई दफ़ा कहता मेरे से पूछते हैं क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं मैं कहता यार मेरे पास टाइम नहीं होता ग्राउंड में जाने का मैं कंप्यूटर पर खेल लेता हूँ तो मैं हर दफ़ा सेंचुरी भी मारता हूँ और पाँच पाँच विकटें भी लेता हूँ तो सीटें फिर ऐसे ही मिलेंगी ना हाँ तो बस ठीक है ना कंप्यूटर में बैठ के साहब एडिट जैसे कैसे देखें पी टी आई को इन सब की रियलाइजेशन ये है कि पी टी आई को नहीं आने देना अब हम लोगों ने आपस में मैच डाला और हमने कैसे हुकूमत बनानी है पीपल्स पार्टी को सूट यह करता है कि चाहे सौ सीटें ले जाए पीटीआई उसको इतनी स्पेस मिले और वो नून को रगड़ा लगा ना लेने दे <coughs> पंजाब में रगड़ा लगाने दे और उसको हमारी सीटों के कहीं करीब करीब ले आए सत्तर अस्सी पर ले आए लेवल, हम की।, उस लेवल की पार्टी हम उस बारगेनिंग पोजीशन में हो कि हमारा वोट मैटर कर रहा हो सही

और पाकि और वो तो जलसा बन जाता है आ जाते हैं हाँ तो यहाँ पर खैबर पखतूनखा की पैंतालीस जमा दस खुत की सीट्स ये मिला के बन जाती हैं फिफ्टी फाइव इन पचपन सीट्स के ऊपर तो नून लीग है नहीं बलूचिस्तान में उन्होंने जाके किया है इतिहाद कि वगैरह कर रहे हैं तो वो जो जीतेंगे वो फिर उसके बाद नोमन तेल आएगा फिर राधा को नोम तो फिर राधा उसका मूड भी बनेगा ना नाचने का हाँ तो फिर राजा नाचेगी सिंध में जो है वो नून लीग जो मर्जी कर लें अब ये एक बड़ा झूठ ही होगा कि नून लीग वहाँ से वो जीतेगी <laughs> फेडरल कैपिटल में सूरत हाल देख लें लेंस वो एक्सेप्ट पी टी आई नो चांस वो क्या सूरत गोहर इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दो एक हुँ। और लॉयर तो अब जो है ना देखें अब ये सिचुएशन जो पीपल्स पार्टी ने किया है ये पीपल्स पार्टी ने एक नया मुतबाद जो है वो सामने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो गुफ्तु फरमा रहे हैं बिलावल के मुतलिक नौजवान वोटर्स हैं यही वो कर सकते हैं एक चीज़ वाजह है कि उनको इस वक्त सिचुएशन ये सूट कर रही है कि बावडा साहब की या किसी की भी आप गुफ्तू सुने ना लोगों की वो ये कहते हैं कि यार खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है बिलाशुबह इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हुआ है और वोट बैंक में भी तो इजाफा हुआ है लेकिन उसमें और उनके वोट बैंक में जो बड़ा इजाफा है वो पीडीएम से नफरत का है वो जो शबाज़ सरकार ने और हम सब ने ये जो लोग लो आए थे इन्होंने दावे करके आए थे और इन्होंने जो हुकूमत चलाई और जो बेड़ा गर्क किया तजर्बाकार जिससे हर बंदा इफ़ेक्ट हुआ है वो इनसे फिल वक्त मुंतफर बंदा है। जो है वो चल रहा है अब जिनसे नफरत है जो जिनसे लोग मुतनफ़र हैं उनको इकतदार में एक डुबियस किस्म के तरीके से लाया गया तो फिर उसमें इस्तेकाम भी नहीं आएगा और जो है वो और ज़्यादा तनकीद और वो बढ़ जाएगी बिल्कुल सही पीपल्स पार्टी ख़ुद को ऐसे पेश कर रही है कि देखें हम तो पी के भी ज बाद में बात करेंगे बड़े जमोरी जैन के। जब हम पी टी आई के भी में बात करेंगे हाँ। और हम कोई चांस बना लेते हैं तो नस्बता तनकीद कम होगी ये उस वक्त होता ना जब ये रिजीम चेंज का हिस्सा ना बनते ये उस वक्त होता जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर्स दिए थे कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं तब मजा आता काउंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मेकअप लगाया हुआ था ना जिस तरीके से जितना भी मेकअप किया हुआ था, के सामने वो उतर चुका है देखे नहीं, असल चेहरे की बात नहीं है ना मुगल साहब अब मामला जो है वो आपका क्या ख्याल है कि उसके मुताबिक हो रहा है जैसे अभी भी हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा मैं वो तो नहीं कह रहा लेकिन दूसरी चीजें वो दावा नहीं आके पार्टीज करती ये दावा भी करते हैं क्या माइन के मुताबिक तो बानी, बानी। लेर करने वाले कहते हैं फरवरी को जब इलेक्शन होगा उसमें जो फार्मूला पेश किया है इन्होंने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जी और कोई इसमें यानी कि हैरानी की बात नहीं होगी अगर वाकई इस मुतबादल को सुन लिया जाए सही क्योंकि अदरवाइज़ बड़ा टकी हो गया मामला बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़